ड्रग्स की लत छोटे शहरों में भी युवाओं को बर्बाद कर रही है। इसकी वानगी दमोह में देखने को मिली, जहां 22 साल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने दोस्तों पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। दमोह के कलाई नाके के पास रहने वाले 22 साल के युवक मोहित सैनी की 21 तारीख को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने बीती रात कोतवाली पहुंचकर मोहित के दोस्त अनिकेत मिश्रा और अन्य दोस्तों पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है। मोहित सैनी के परिजनों की माने तो अनिकेत मिश्रा उसके साथ ही ड्रग्स का व्यापार करते हैं, युवाओं को जबरदस्ती ड्रग्स देते हैं, फिर उन्हें लत डालने के बाद पैसा कमाते हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि 21 तारीख की रात मोहित को लेकर ये लोग मानसरोवर ढाबा गए, जहां ड्रग्स लिया। मानसरोवर ढाबे पर इंजेक्शन और ड्रग्स के बाइल्स भी बरामद हुए हैं। घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज की गई है, जिसके बाद मामले की तफ्तीश की जा रही है। अनिकेत मिश्रा हमारे बेटे को ले गया था और उसके बाद हमने 10:30 बजे फोन लगाया तो बोला मोहित मेरे साथ हैं। इसके बाद मैंने 11 बजे फोन लगाया तो उसने मेरी बात नहीं करवाई। उसके बाद उसने इंजेक्शन दिया, क्या किया उसके साथ, फिर क्या हुआ, फिर बड़े वाले बेटे के लिए फोन आया। इसके बाद हमको पता नहीं है। अनिकेत मिश्रा ने बड़े वाले बने के ये अनिक कौन है, कहाँ रहता है? अनिकेत मिश्रा खजी मोहल्ला में रहता है। वो ड्रग्स का व्यापार करता है, नए लड़कों की मेरा बेटा कभी नशा भी नहीं करता था। उसके साथ दो चार लड़के और हैं, जैसे कोई हनी मसीद कर्क है, एक राहुल झा है और कोई छुट्टू बनिया है। ये लोग अनिकेत मिश्रा को ड्रग्स ला कर देते हैं और जे नए नए बच्चों के लिए देता है। आपका बेटा आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं खजरी मोहल्ला है। बेटा क्या नाम है, कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। क्या नाम है? मोहित सैनी। अभी कहाँ है वो? एक्सपायर हो गया ना 21 तारीख को। और ये मानसरोवर ढाबा पर अनिकेत मिश्रा उस दिन रात में लुआ गया था, वहाँ भी सरेंजे भी डली हैं, वो इंजेक्शन भी डले हैं। ये कहाँ है मानसरोवर ढाबा? ये अपने बांसा के आगे। ठीक है सर, वो हमारे यहाँ आए थे, बोलने लगे रैली से आए हैं, भैया की तबीयत ख़राब है, तो मतलब पलंग पा दिया। तो हम तो सो रहे थे, तो सोने के बाद उठे तो मतलब फिर 2-3 जनों ने स्टाफ वालों ने बताया कि मतलब इनने ये किया है, ड्रग्स में रख लिया है अनिकेत ने, इनने दोनों जनों ने। हाँ, तो फिर हम यहाँ अस्पताल छोड़ने आए थे। अस्पताल के बाद अनिकेत ने हमें छोड़ा है कहाँ, टोल टैक्स के इस साइड। फिर तो उसके बाद हमने ढाबा फोन लगाया, तो ढाबा से हमारे कर्मचारी आ गए, सुबह हमें ढाबा लुवा गए। आपका क्या नाम है और आप? मनीष राठौर, 3 गुल्ली दमोई। क्या करते हैं आप? ढाबाई पे मिस्त्री गिर के आते हैं। कहाँ पे? ढाबा मानसरोवर में। ड्रग्स जैसी चीज़ को का सेवन करने के बाद एक युवक गंभीर हो गया था, उसके बाद उसे यहाँ से रेफर करके जबलपुर भेजा गया था, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। लगातार सर ड्रग्स की चर्चाएं का माहौल जो है दमोह में गर्मा रहा है और इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, वजह क्या है? इसमें लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी है, इसमें कार्रवाई की जाएगी।